दोस्तों कुछ कस्टमर हमसे एक क्वेश्चन करते हैं कि भैया मेरा जो डिस्प्ले है उस पर मेरे तीन कैमरे लगे हैं, चारों कैमरे एक साथ आ रहे हैं, मेरी डिस्प्ले छोटी है तो मुझे देखने में दिक्कत होती है और मैं चाहता हूं मेरा वन बाय वन कैमरा चेंज हो जैसे कि पहले स्विचर में होता था। तो कई लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता, कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि भैया हमें वन बाय वन कैमरा कैसे एक्टिवेट करना है या टूर सेटअप कैसे एक्टिवेट करना है। तो इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूं, आपको इजी वे में बताऊंगा कि कैसे आप सिलेक्टेड कैमरे ही स्विच कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं सीसीटीवी हेल्पलाइन। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, टूर सेटअप एक्टिवेट कैसे होता है, उसको आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे कैमरा सेलेक्ट करते हैं, ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे। सबसे पहले आपको खोलना है मेन मेन्यू। गाइस, मेन मेन्यू खोलने के बाद आपने यहाँ पे राइट में देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग के अंदर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहां पे आने के बाद आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा टूर सेटअप। अगर आपका थोड़ा सा डीवीआर का इंटरफेस चेंज है तब भी आप डिस्प्ले के अंदर टूर सेटअप का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। टूर सेटअप नाम से ही होता है सीपी प्लस के अंदर, तो इसको सिलेक्ट करना है। गाइस, सबसे पहले आपने यहां से एनेबल करना है। अब मेरा डीवीआर जो है वो 8 कैमरा का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें सिर्फ 3 कैमरे, क्योंकि मेरे 3 ही कैमरे लगे हैं, तो सिर्फ 3 कैमरे ही मेरे स्विच हों, बाकी कैमरे स्विच ना हो। तो मैंने सबको डिसलेक्ट कर लिया, जो ऊपर 8 लिखा है इस पर क्लिक करते ही सारे कैमरे डिसलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं एक नंबर को एक्टिवेट करता हूं, दो को करता हूं और तीन को करता हूं। अब गाइस, अभी भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, वीडियो को बंद मत करना क्योंकि इस स्टेप के बाद भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं अप्लाई करता हूं, यहां से सेव करता हूं और बाहर आता हूं, तो आप देख रहे हैं मेरा एक कैमरा आ रहा है, इसके बाद दूसरा कैमरा आएगा, इसके बाद तीसरा कैमरा आएगा, उसके बाद जो पहला कैमरा अंश है वो नहीं आएगा, बल्कि चार चार फ्रेम आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 8 फ्रेम आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 9 फ्रेम आएंगे। तो मुझे और कुछ सेटिंग नहीं चाहिए, जैसा देखें 4 कैमरे आ गए मेरे, अब अगले 8 कैमरे आ जाएंगे। तो ये काफी प्रॉब्लम रहती है जो कि मुझसे बार बार पूछी जाती है कि भैया इसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं 8 आ गए, फिर 16 आ जाएंगे, तो मुझे चाहिए मेरा सिर्फ 3 कैमरे वन बाय वन स्विच हो और कोई भी चीज ना आए। तो वापस मुझे जाना पड़ेगा टूर सेटअप पे, मेन मेन्यू खोलना है आपने, अगेन जाना है सेटिंग के अंदर ऑप्शन, सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर जाना है। और गाइस यहां से आप देख रहे हैं विंडो स्प्लिट। तो गाइस यहां से आपने View 1 को View 4 करना है और ये क्लिक जो है दोनों लगे हुए हैं इसको हटा देना है। अब जाना है View 8 पे और यहां से भी जो सारे क्लिक्स हैं ऊपर 8 पे क्लिक करेंगे सारे क्लिक हट जाएंगे। अब जाना है View 9 पे और यहां से भी इसका क्लिक हटा देना है और करना है अप्लाई। गाइस अभी भी एक चीज और बतानी आपको बाकी है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। अब हम देखेंगे तो मेरा 1 2 3, 1 2 3 इस साइड से स्विच होने स्टार्ट हो गए। अब ऐसा होता है कस्टमर कभी कभी चाहता है कि भैया मेरा किसी भी कैमरे पे स्टॉप हो जाए, सपोज वो कुछ देखना चाहता है, कोई लाइव चीज आ रही है, बाहर कोई खड़ा हुआ देखना चाहता है, तो वो स्टॉप करना चाहता है। तो आप देख रहे हैं वॉच के लेफ्ट हैंड साइड पे एक टूर का ऑप्शन आ गया है जो बॉक्स बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे लॉक लग जाएगा और आपका कैमरा स्विच होना बंद हो जाएगा। अब कस्टमर यहाँ पे अगर चाहे कि चारों कैमरे वॉश करना चाहता है तो वो 1 से 4 पे क्लिक चाहता है, तो चारों कैमरे चलते रहेंगे जब तक यहाँ पे लॉक बना हुआ है। अब कस्टमर काम हो गया और वो चाहता है वापस स्विच होने स्टार्ट हो जाए, अब कस्टमर अगेन लॉक पे क्लिक कर देना है, लॉक हट जाएगा और अगेन स्विच होने स्टार्ट हो जाएंगे वन बाय वन, जैसे हो रहे थे वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से टूर को एनेबल और डिसेबल सिंपल वे में कर सकता है कस्टमर, कोई भी कैमरा वॉच करने रुक सकता है। तो ये वीडियो थी जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल और चैनल पसंद आ रहा है, ऐसी वीडियो देखना पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अगर मन में कोई और क्वेश्चन रह गया हो, कोई और सेटिंग आप मुझसे जानना चाहते हैं, नीचे एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ सीपी प्लस की, उसमें कई सारी वीडियो अवेलेबल है, उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें भी वो वीडियो नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए, टेक केयर।